यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आईसीटी इस क्लास में। साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। बच्चों अभी छुट्टियों में अच्छी तरह से तैयार कर लेना इनको। बिल्कुल, तो टेंथ आप लोगों की अभी से सही होना चालू हो जाएगी। बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा। और इसी में ये जो दो और सूत्र थे ना बच्चों, कौन कौन से, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन। और इसमें एक बार सर्वसमिका को भी हम पुनः याद दिला दें आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली बने इसी से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम तो इसी को याद रख लेंगे। अच्छी बात है, उसको याद रख लो, लेकिन ये रूप भी आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस एक के बराबर अगर हम लें तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर लें तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। और इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़े, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अगर हम इस एक बराबर लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बनाए तो वो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो इस तरह से ये तीन सर्वसमिकाएं हमारे पास में थी, इन तीन से बाकी अन्य भी हमने प्राप्त कर ली। एक बार तेजी से हम इन सूत्रों को दोहरा देते हैं बच्चों। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार तो आपको याद ही है, ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पे आधारित। साइन थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो छह तो ये सूत्र हो गए, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बहुत कीमती सूत्र है, अक्सर यूज आते हैं। और सर्वसमिका अभी हमने आपको बताई, अब हम आपको 11 तक सवाल पिछली क्लास में हम आपको बता चुके थे, याद होगा आप लोगों को। 12वां सवाल आज हम ले रहे हैं, और वक्त रहा तो हम कुछ उदाहरण भी लेंगे। बच्चों उदाहरण आप किया करो, खुद हल तो दिए हुए हैं लेकिन आप खुद स्ट्रांग होने के लिए उन्हें भी करें, ठीक है। आइए 12वें सवाल की ओर लिए चलते हैं हम आपको। सवाल नंबर 12 है 14.3 का। पेज नंबर 299। चौदह पॉइंट तीन का 12वां सवाल ये रहा आपके सामने। sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन इज इक्वल टू cot थीटा प्लस cosec थीटा प्रूव करना है। समझी, पहली बात, इधर हमारे को कॉट और कॉसेक की फॉर्म चाहिए, तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा करूं सेक प्लस वन से तो क्या होगा, यहां पे सेक स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, उसको हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर साइन कॉस में बदल के उनको हल कर सकते हैं। बच्चों कैसे, समझिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस हमने लिया sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन,
चूंकि यहां वर्गमूल है तो वर्गमूल वाली संख्या से ही, यानी कि इसमें रूट के अंदर ही हम गुणा कर सकते हैं बच्चों। रूट टू इंटू रूट थ्री वही रूट सिक्स होते हैं, रूट थ्री इंटू थ्री वही रूट नाइन बन के थ्री बन जाते हैं बच्चों। तो यहां पे इसको भी हमें वर्गमूल में लेना है, तो इसका अपोजिट साइन sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन। तो ये क्या हुआ बच्चों यहां पे, sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसे हैं और ये एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया यहां पे, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर। वन स्क्वायर को मैं वन ही लिख रहा हूं, नहीं तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा बच्चों। चाहे तो अच्छे बच्चों की तरह से यहां पे आप सर्वसमीका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी सर्वसमीका यूज आ रही है उसको आप दिखा सकते हो। अब यहां पे ये sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस वन, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी मैं ये देखो आपको सूत्र की तरफ एक बार फिर से मैं ले जाता हूं, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं tan स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। ये sec स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा। चाहे तो अच्छे बच्चों की तरह से यहां पे सूत्र एक बार पुनः पुनः लिख दी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो ये अचानक बदल कैसे गया। अब जैसे ही ये स्क्वायर और ये स्क्वायर पे नजर इस वर्गमूल की पड़ी, ये रूट ले गया है ना, स्क्वायर अपने साथ में ले गया। तो sec थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा, sec थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा। अब हम देखते हैं हम यहां तक आए ना चलते चलते, RHS है हमारी cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो अब बस हमारी मंजिल करीब है बच्चों, ये जो tan थीटा है दोनों के अलग अलग बटे में हो जाएगा, sec थीटा बटे tan थीटा एक बटे tan थीटा। तो एक बटे tan थीटा को तो हम cot थीटा लिख ही सकते हैं, अरे अभी लिखा था मैंने सूत्र। और जो sec बटे tan है वो भी अगर हमें cosec दे दे तो सिद्ध हो जाएगा। आइए देखें जरा, जस इसके आगे का पार्ट हम इधर कर रहे हैं। ये sec थीटा बटे tan थीटा, बच्चों ये जो बटे की चीज है ना ये दोनों के अलग अलग बटे में आ जाती है, sec थीटा बटे tan थीटा एक बटे tan थीटा। अब हम इस sec को लिख सकते हैं एक बटे cos थीटा, और इस tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपको तो मालूम है कि इसमें क्या लिखना है, अरे बच्चों आपको भी पता होगा। इधर इधर अगर नहीं दिख रहा है तो अभी हम दिखा देते हैं, आप चिंता मत करो अभी दिखाई देगा बच्चों, आप तो बस ध्यान दो। sec थीटा बटे tan थीटा प्लस एक बटे tan थीटा, तो ये इसको हमने बटे में बटे को वन अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा ऐसे के ऐसे, cos से cos कट गया, वन अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। इसमें कोई फर्क नहीं है कि cosec इसमें इधर लिखा है cot इधर लिखा है, एक ही बात है। ये हम चल रहे थे 12वें सवाल के लिए, 11 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। एक एक स्टेप को समझते हुए उतारिए ध्यान से, एक बार पुनः हम समझा दें आप लोगों को। ये सवाल बुक में दिया गया था, इसकी LHS हमने उतारी, LHS को देखते हुए चूंकि ये वर्गमूल में था, वर्गमूल में अंश और हर को हमने गुणा किया, ठीक है ना बच्चों। तो ये sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, ये sec स्क्वायर माइनस वन, उतारिए यहां तक आप लोग।
यस बच्चों, असंभवते आप लोगों ने समझ लिया होगा, उतार भी लिया होगा यहां तक। ये जैसे ही स्क्वायर स्क्वायर आए ना बच्चों, इस स्थिति में वर्गमूल नहीं निकलता है। कई नन्हे मुन्ने बच्चे उतार लेते हैं इसमें कि सर इसका वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बच्चों। होल स्क्वायर का ये स्क्वायर हट गया, sec थीटा प्लस वन आ गया अपॉन tan थीटा। आप क्या करते हो बच्चों, कहीं नियम के खिलाफ चले जाते हो गणित में, जिससे आपको पता नहीं चालान होते कि नहीं होते गांव में। ये चालान, अगर रेड लाइट पे आप निकल गए तो चालान, कहीं पे आपने गाड़ी खड़ी गलत जगह खड़ी कर दी तो चालान। ठीक इसी तरह से गणित के चालान है, अगर आपने गड़बड़ किया तो कोई RHS नहीं मिलने की, कुछ और ही मिलेगा फिर। ठीक है, वो आपको पता चलता नहीं है, चालान हो जाता है तुरंत। हाँ, ये 13वें सवाल को ले, अगला सवाल 13वां सवाल देखिएगा जरा। यस, जो नन्हे मुन्ने साथी उतार रहे हैं उतारते रहिएगा। तेरवा सवाल, रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हमारे को प्रूव करना है कॉस थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसी पे वर्गमूल है इस बार, बटे में वर्गमूल है ही नहीं। तो बच्चों सुनो सुनो सुनो, पहले है ना थोड़ा सा प्लानिंग करा करो कि क्या करें। तो अगर हम यहां पे गौर करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर के बराबर, देखो ये सूत्र रहा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। कॉट स्क्वायर पे अचानक नजर इस रूट की पड़ी, वो उसको कॉट कर देगा, और कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, अभी जैसे हमने इसमें बदला था ना बच्चों, ये सेक बटे टेन, इससे हमारे को क्या मिला था कॉसेक, ऐसे इससे हमारे को कॉस मिलने की संभावना है। आइए समझे किस तरह से, ये आसान सवाल है, सवाल नंबर तो 13वां है, 13-14 तक जाते जाते थोड़े से कठिन होने चाहिए, लेकिन ये आसान सवाल है। समझिए, लेफ्ट हैंड साइड रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या लिखा, कहा कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉसेक थीटा। वर्गमूल ने अपना काम किया, कॉट थीटा बना दिया उसको, बटे में कॉसेक थीटा चल ही रहा है। अब ये बटे में बटा हो गया, तो कॉट कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अरे होता है बच्चों ये, कॉसेक की जगह लिखा एक बटे साइन थीटा, जब बटे में बटा हो गया तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे एक, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, बराबर कॉस थीटा बराबर आर एच एस। तो एल एच एस से चले थे, आर एच एस से पहुंच गए बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें किसी से गुणा नहीं करना पड़ा, सीधा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सूत्र लग गया। आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको इसमें बदल दिया, और स्क्वायर जैसे ही इस रूट को नजर आया उसने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉसेक कैन बी रिटन एज वन अपॉन साइन, बटे में बटा होने पे ये कैंसिल, साइन से साइन कॉस थीटा आ गया। उतारिए जल्दी से 13वां सवाल,
ये था बच्चों 13वां सवाल। आइए 14वां सवाल देखें। सवाल नंबर 14, और फिर वक्त रहा तो हम उदाहरण भी समझाएंगे बच्चों आप लोगों को, और आप खुद भी इन्हीं सवालों को एक बार वापस से हल कीजिए। आपको मालूम ही है बोर्ड परीक्षा के अंदर आप लोगों की 9th की क्लासेस इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम तक चलती रहेंगी। जब तक 9th का एग्जाम की डेट्स वगैरह आपकी नहीं आ जाती, आप लोगों की ये क्लासेस अनवरत रूप से जारी रहेगी, आप लोगों की सेवाओं के लिए, आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इज इक्वल टू 2। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। दो हमें लाना है। LHS यस बच्चों, पहले आप लोग खुद दिमाग लगाइए थोड़ा। यस बच्चों, किया आपने कोशिश। देखो यहां 1 प्लस जो कॉट है ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। इस एक को ऐसे ही रहने दीजिए इस ब्रैकेट में। 1 प्लस टेन को हमने बदला साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और सेक थीटा को बदला 1 बटे कॉस थीटा में। ठीक है ना बच्चों, ये अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें कैसे चेंज करने से आपका ये सवाल इजीली सॉल्व हो सकता है। अब हमने साइन थीटा एलसीएम लिया तो यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इधर में हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो ये हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब ये चीज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां तक तो एक ही है ना बच्चों, केवल यहां प्लस 1 माइनस 1। देखिए यहां पे माइनस 1 है, यहां प्लस 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1 स्क्वायर, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गए। अब हमने इसका होल स्क्वायर किया बच्चों, तो इसके होल स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। इससे कहीं कट करने की जल्दबाजी आप लोग नहीं करना, पहले सुन लो इधर कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक हो जाएगा, एक, और वो इस माइनस एक से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में रहेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा वो कैंसिल करेंगे बचने के बाद। ठीक है, उससे 2 तो यही आएगा, यही वाला 2 है वहां पे, यहां तक तो उतारिएगा आप लोग, उतारिए जल्दी से। हाँ चलिए बच्चों उतारिए उतारिए, अंतराल से पहले ये सवाल करते हैं हम जल्दी, उतारिए। और फिर यही सवाल है ना, बीच के गैप में आप खुद करना, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने संभवतः उतार ली होगी,
तो हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन लिख रहे हैं, माइनस वन लास्ट में, उस माइनस वन को हमने इधर ले लिया, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। तो अब ये एक माइनस एक शून्य है ना बच्चों, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, रहा क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस बराबर दो, और यही आर एच एस है। तो हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंच गए आर एच एस पे, किस तरह से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये तीन पद आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस वन तो चल ही रहा है, तो ये वन माइनस वन कैंसिल, टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से। तो संभवतः ये चौदवां सवाल आप लोगों ने उतार लिया होगा, और एक हमारी इच्छा है आप अभी बीच के अंतराल में इस चौदवें सवाल को एक बार बिना देखे आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। जल्द ही हम मिलते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। बच्चों सुनो जरा कुछ उदाहरण, हम आप लोगों को उदाहरण भी समझाना चाहेंगे, आज हम कोई नई एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं कर रहे, उदाहरण देखिए जरा। उदाहरण नंबर 13 है, उदाहरण 13 पेज नंबर 295 पे, 295 आप लोगों की जो बुक है उसमें 295 की जो न्यू बुक है, नई बुक है उसमें। सवाल इस तरह से है, sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बात समझिए जरा, इधर 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 ध्यान दो आप लोग कि देखो ये कितने आसान सवाल होते हैं। अभी आप 1 अपॉन cos वगैरह में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म दिख रही है ना हमारे को,
ये a प्लस बी की फॉर्म में, ये a माइनस बी की फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट हल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां साइड में आप लिख दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे इससे हमने देखा कि यहां tan स्क्वायर थीटा चाहिए, यहां पे हमारे को साइन स्क्वायर चाहिए, तो बीच में माइनस का चिन्ह है। sec स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको जो हमने शुरुआत में सूत्र बताए थे उनमें था sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस इस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक से एक कैंसिल, क्या आया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस RHS। तो ये कितना आसान सवाल था, उदाहरण नंबर 13। ये भी आप उतार लीजिए जल्दी से, चाहे बुक में सॉल्व होगा लेकिन आप तो उतारिए उदाहरण नंबर 13 को। उदाहरण नंबर 13 के बाद में उदाहरण नंबर 14 हम ले रहे हैं, इसी पेज पे स्थित है उदाहरण नंबर 14। आइए उसको भी समझें। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और इधर है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए किस तरह से यह सवाल होगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1, हमें सिद्ध करना है। तो इसमें जो cosec माइनस साइन है ना बच्चों, इसको देखिए कैसे बदलेंगे हम, ध्यान दीजिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना लेफ्ट हैंड साइड लेना है, एक को तो क्या करेंगे इतना बड़ा ये चीज बन जाएगी। तो cosec की जगह हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे की ऐसे, इधर sec की जगह 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे की ऐसे, इस tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा की जगह cos थीटा बटे साइन थीटा। तो इधर क्या हुआ, साइन थीटा एलसीएम, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हमने लिया कॉस थीटा एलसीएम, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर में दोनों ही एलसीएम आ गए साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लघुत्तम लेना तो आता है ना बच्चों आप लोगों को, कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही एलसीएम आ गए, कॉस थीटा का भाग गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से भाग गया कॉस बार, कॉस को कॉस से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर हुआ, साइन थीटा इधर एलसीएम लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और यहां ये एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा चल ही रहा है। आप यहां पे इस सर्वसमीकरण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको कैंसिल करना स्टार्ट किया,
ये cos थीटा से ये कैंसिल cos थीटा बार, और ये cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल, इधर sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा sin थीटा बार, sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल, तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, ये एक बराबर r h s, राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गई एक। तो इस तरह से cosec माइनस sin, sec माइनस cos और tan प्लस cot, इनका प्रोडक्ट वन के इक्वल हो गया, गुणा एक के बराबर हो गया। उतार लीजिए जल्दी से 14वां सवाल, उदाहरण नंबर 14 है बच्चों, ये उदाहरण नंबर 14, ठीक है, जल्द से उतारिएगा आप लोग। यस, उदाहरण नंबर 14 के बाद उतारिए जल्दी से। अब उदाहरण नंबर 15 हम आज ले रहे हैं, और फिर बच्चों ये उदाहरण संभवतः बचे हुए हम कल करवाएंगे, लेकिन अगली जो क्लास होगी कल हमारी, अगला पीरियड हमारा ही है बच्चों कल, तो उसमें हम बचे हुए उदाहरण लेंगे, और उसके बाद आप जो एक्सरसाइज आप लोगों को मुश्किल लगती है वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए कि सर ये एक्सरसाइज हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है समझना, हम उसको आप लोगों को समझा देंगे आईसीटी के माध्यम से, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 हम ले रहे हैं, यस उदाहरण नंबर 15 इसी पेज पे स्थित है बच्चों, ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को ये सवाल, तो आप लोग अभी आसान बना लेंगे तो आसान बन जाएंगे नाइन्थ में। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड हमारे को सॉल्व करनी पड़े, आइए समझें, ध्यान दीजिए, इस तरह की संभावना है कि दोनों साइड हमारे को सॉल्व करनी पड़ सकती है, एक साइड से आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। इसमें हमने sec स्क्वायर को चेंज किया वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा में, cosec स्क्वायर चेंज इनटू वन अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ये LCM आ गया। क्या है एलसीएम में? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भाग गया तो साइन स्क्वायर थीटा बार गया, उस साइन स्क्वायर थीटा को इससे गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस प्लस साइन स्क्वायर का भाग गया कॉस स्क्वायर बार, कॉस स्क्वायर को इस एक से गुणा किया तो वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोग जानते ही हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसको हमने लिख लिया एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब ये एक बटे है और ये दोनों स्क्वायर में है तो ये हो गया एक का वर्गमूल एक, और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, यहां ले जाके हम रुक गए, है ना बच्चों? करने को तो किया जा सकता है, इस एक को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाहर ले जाके फिर से लिख सकता हूं, फिर साइन स्क्वायर के बटे में ये लिखा कॉस स्क्वायर के बटे में लिखा तो ये आ जाएगा, है ना बच्चों? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरएचएस सॉल्व कर लीजिए और इसी स्टेप तक आरएचएस को ले आइए तो भी वो सवाल आसान हो जाता है, तो हम इस सवाल को इसी तरीके से कर रहे हैं कि अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। आरएचएस क्या है इसमें? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और आप लोग जानते ही हो इसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। लघुत्तम क्या है? एलसीएम कॉस थीटा
साइन थीटा, तो इसका भाग गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन थीटा से किया तो वो बना दिया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया एक बटे कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका मान और इसका मान दोनों साइड का मान एक ही आ गया, तो भी ये सिद्ध करने का एक ये और तरीका है कि कभी कभी हमारे को LHS और RHS दोनों ही हल करने होते हैं। इससे भी किया जा सकता था लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता आप लोगों को समझने में, तो हमने ये विधि इसमें इस्तेमाल की। LHS को हल करते करते यहां पे पहुंचे, फिर हमने RHS को सॉल्व किया, उससे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। तो चूंकि दोनों साइड एक जैसी आ गई तो ये सिद्ध हो गया उदाहरण नंबर 15 है। तो अगली क्लास में आप लोगों को बचे हुए उदाहरण, आप चिंता ना करें, आप पहले तो खुद हल करने की कोशिश करना, नहीं तो हम कल आप लोगों को इसी क्लास में इसी टाइम पे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही 12th वालों की, आप लोगों में से कई स्कूल में 12th के सेंटर होंगे बच्चों, तो वो उनकी परीक्षा अपनी जगह पे है, आप लोगों की क्लासेस अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे बच्चों, नमस्कार।